देखा नौ सुना जैसे ही दिख जाए सबसे पहले क्या लगाना अगर हेड आ गया तो क्या आएगा हेड नहीं दिखा तो क्या देखोगे डीड के बाद इस तरह से और नौ सुना आता क्या है देन आ गया देन अगर देन लगा दे तो वेन लगा दे तो बहुत सुंदर कॉपी करिए इसको नो नॉट नेवर की बात ना है एग्जाम्पल पहला नो सुनर डिड द टीचर नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द चिल्ड्रन स्टूड अप नो सुनर डिड द चिल्ड्रन ज्यों ही नकी टीचर क्लास में आया कि बच्चे खड़े हो गए तो नो सुनर डिड द टीचर एंटर द क्लास अब यहां पे एग्जाम क्या कर देगा एंटर्ड कर देगा या डिड की जगह हेड कर देगा गलती हो गया देन की जगह देन कर देगा दैट कर देगा वेन कर देगा गलत हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रक्चर देकर समझाया हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो नो सुनर हेड नो सुनर डिड सेकेंड और थर्ड सेम है तो ठीक है एक ही उतारो नो सुनर डिड ही कम देन आई वेंट No sooner had the teacher entered the classroom than the children stood up. No sooner had he arrived home than he was asked to start one another journey. ठीक है ना? बहुत बढ़िया. No sooner had, no sooner इसको याद रखना है. आप जब टेस्ट देंगे तो वहां दिखेगा. No sooner के तुरंत बाद अगली बार had या did आना चाहिए. ये इसका फंडा है. Had किया तो past perfect, ज़्यादा more past. ये दिखाना पड़ेगा कि मोर पास के बाद नो सुनर हैड किया था अयोगा किया जस्ट एग्जांपल पूरा दे दिया गया है हर एंगल समझिए आराम से लिखिए बोलो आगे बढ़े बात समझ में आ गया तो आगे देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए अगला स्ट्रक्चर बच्चे अब ये स्ट्रक्चर क्या है कुछ 8-10 वर्ड दिया हूं मैं आपको जैसे इफ है इवन इफ है अंटिल है अनलेस है एज लॉन्ग एज टिल है एज सून एज व्हेन है व्हेनेवर है व्हाटएवर है व्हाट सोएवर जो कुछ भी बोल सकते हैं जैसे इफ का हिंदी होता है यदि अंटिल अनलेस का हिंदी होता है जब तक नहीं एज लॉन्ग एज टिल जब तक एज सून एज व्हेन मतलब जब ठीक है व्हेनेवर जब कभी इन सब के बाद कभी भी मॉडल्स का प्रयोग यानी इफ यू विल कम Even if you will come, until she will come, समझा? इन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स आएगा क्या? इन शब्दों के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा. V1, V5 मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टेंस, प्रेजेंट टेंस. समझा? जैसे until she comes, until you come, ठीक है? अब आने वाले क्लाउज में will, shall, can में लगा सकते हो. डायरेक्ट बात नहीं आएगा, लेकिन सेकंड क्लाउज में फ्यूचर आ सकता है. तो ये राइट होगा. दूसरा क्या है? इन सारे शब्दों का प्रयोग पास्ट में करते हो, जैसे until she came, until he came, तो आने वाले क्लाउज में would या could का प्रयोग कर सकते हो. 99% प्रयोग यही होता है. पास्ट में बनेगा तो ऐसा बनेगा, जैसे if you went to Agra, you would see the Taj Mahal. यदि आगरा जाते तो ताजमहल देखते, यदि जाओगे तो देखोगे, तो इसका हिंदी निकलता है, फ्यूचर में हिंदी निकलता है, फ्यूचर सेंस देता है, और नीचे वाला देता है पास्ट सेंस, तो ये सही है, और वाला क्या है, गलत है, मोर्स नहीं आ रहा, कॉपी कर लीजिए, एक साथ 8-10 कनेक्शन दे दिया, या कंप्लीट स्ट्रक्चर दे दिया हमने, अलग अलग पढ़ोगे तो 10 रूल बनेगा ये, है ना, जितने शब्द उतने रूल्स बनेंगे, इकट्ठे ऐसा बना के दे दिया कि मोक्ष की प्राप्ति सीधा, सीधा मोक्ष हो गया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया
तो यहां तक आपने काम कर लिया, ये सारे बता दिया आपने, सब कहोगे बच्चे बहुत बढ़िया। अब आगे बताते हैं इसको, अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। देखिए एग्जांपल कह रहा है इफ ही केम, बोलो पास है कि नहीं, इफ ही आई कुड डू इट, यदि वह आता तो मैं इसको करता। इफ यू कम लेट आई वोंट अलाउ यू टू एंटर द क्लास, यदि तुम लेट से आओगे तो मैं क्लास में घुसने नहीं दूंगा। ही विल गो टू हिम इवन इफ ही बीट्स हिम, वह उसके पास जाएगा चाहे उसको पीटे क्यों ना। आई कांट टेल अ लाई इवन इफ आई एम हैंग्ड, चाहे मुझे फांसी लगा दो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शी विल बी स्टेइंग देयर अंटिल यू गो, वह वहां खड़ी रहेगी जब तक तुम नहीं जाओगे। As soon as I reach there, they called me on the stage. सब सही है, सारे क्या है राइट, सारे कंडीशनल है, जहां भी डर लगता है कंडीशनल लगता है। एग्जाम्पल पूरा भरपूर दिया हुआ है, चाक लिखिए। ये सब टेंस में भी पढ़ाता उठाऊं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने के जो प्रयोग किया गया है उसको पढ़ रहे हैं, कहां गलती हो सकता है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बालक अंटिल और अनलेस में ये टेंस क्लास करो पता चलेगा, अंटिल टाइम को रिप्रेजेंट करता है, अनलेस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब आओ डिटेल, अभी तो आप कंडीशन पढ़ रहे हो, बता दिए इसको। अगला क्लास देखिए, नहीं लिखा था गपना करो सीधा ध्यान दो, फोकस करो ठीक है। चलो अगला देखो क्या कहता है, एक एक पार्ट समझते या लिखे पहले तुम लिखे, फोकस करो ज्यादा बोर्ड पे। एक वर्ड है लिस्ट और एक वर्ड है और एल्स, इसको लिस्ट नहीं पढ़ते हैं, लिस्ट, लिस्ट का स्पेलिंग होता है LEAST, ये है लिस्ट और ये क्या है और एल्स, और एल लिस्ट जो है मतलब कहता है, और एल्स कहता है शैल वुड विल, इन दोनों का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, नहीं बोलते हैं जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, भागो कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए, जल्दी जाओ कहीं ऐसा ना हो चली जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि, तो जहां भी बोल रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि, इसके बदले में आप चाहो तो ताकि भी बोल सकते हो ठीक है। अब देखो, अब कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि जो वर्ड बोला अपने आप नेगेटिव है कि नहीं है, तो ये दोनों क्या है, तो इसके साथ नो नॉट नहीं लगेगा, अगर लगा दिया तो स्ट्रक्चर क्या है, तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर्स से, इसमें सब्जेक्ट लगा सकते हो लेकिन सब्जेक्ट छुपा भी रह सकता है, बोला हरी अप जल्दी करो हरी अप, या तो बोला यू वर्क हार्ड, तो सब्जेक्ट चाहो तो लगा सकते हो ना चाहो तो कोई बात नहीं, इंपेरेटिव लगा सकते हैं, इसके बाद लेस आया सब्जेक्ट शुड हैव बीन, तो बोलो शुड नॉट होगा, और एल्स सब्जेक्ट विल नॉट नहीं होगा अदर वर्ड, तो ये स्ट्रक्चर हिंदी होता है, जैसे बोला ही वर्क्स हार्ड लेस ही शुड फेल, हिंदी हुआ वह कठिन परिश्रम करता है ताकि, या कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, यानी फेल ना हो जाए इसलिए वो कठिन परिश्रम करता, रन फास्ट तेज दौड़ो रन फास्ट, और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, कब छाप दो, एग्जाम में क्या पूछेगा, शूट की जगह भी लगा देगा, शूट के साथ नॉट जोड़ देगा, हो गया कॉमन एरर, ये सब पूरा आपको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ, जितना कोई पढ़ा रहा हूं कंजंक्शन प्रीपोजिशन एग्रीमेंट तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण है, तीनों टॉपिक में याद करने का समस्या ज्यादा होगा आपको। हाँ थोड़ा कठिन है, नया नया चीज है सीखो, तो अंग्रेजी समझ में आएगा, अब लिस्ट का प्रयोग कहीं कैसे निकालोगे, अब एक छोटा सा वर्ड कहीं ऐसा ना हो कि, है ना, कहीं लिखा मिलेगा हरी अप लिस्ट इट शुड बी इवनिंग, अब दिमाग नहीं काम करता हिंदी क्या निकालूं, है ना, तो हरी अप जल्दी करो लिस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए। लिखते जाइए कंजंक्शन स्ट्रॉन्ग तो अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है आप लोगों के सामने, लेस्ट शुड और एल्स विल सेल वुड, कहां कोमा है, कदम लगाने लगा हर किसी में कोमा लगेगा, कोमा कहां लगेगा, रन फास्ट वर्क हार्ड के बाद, पहले क्लास के बाद, है ना।
आगे बढ़ें। कंजंक्शन के बाद पाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंप्लीट टेस्ट। टेस्ट पाऊंगा 30 मार्क्स से ना, बोली करके 30 मार्क्स से आप लोग के बैच में नया बैच तूफानी ऐतिहासिक क्लास होगा, जिसमें 8-10 क्लास पहले बेसिक पाऊंगा जड़ से, फिर 10 से स्टार्ट करूंगा। अभी किसी को समझ में दिक्कत है बताओ, अब ध्यान रहे सारा चीज टेंस में काम आएगा, जितना पढ़ रहे हो कंजंक्शन याद रखना, ठीक ना। जब टेंस पाऊंगा वहां पे क्या आएगा काम है। अगर देखो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करें भाई, देखिए 3-4 वर्ड है, क्या है सर, नो नॉट नेवर नॉट आइदर, इन सारे शब्द अगर किसी को जोड़ता है तो अपने साथ और लेता है ना कि, तो नॉट लगाना और लगाना, जैसे आई हैव नो कार और जीप, आई हैव नो कार नॉर जीप, तो सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, आई हैव नो कार नॉर जीप, ना तो कार है ना ही जीप है, अच्छा तो ही लग रहा है, गलत हो जाएगा, ये अच्छा लगे चाहने लगे ही सही होगा। आई हैव नो कार और जीप, आई हैव नो नॉट आइदर, तीन शब्द कर लो, नो नॉट नेवर नॉट आइदर, नाइदर से देगा, नाइदर तो पहले से नेगेटिव है, लेकिन कभी कभी आइदर भी नॉट लगा देते हैं लोग। टोटल मॉडर्न दे रहा हूँ चिंता, अप टू डेट एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, आई हैव नो कार और जीप गलत, नॉट जीप गलत और सही, आई शैल नॉट आइदर सिंग और डांस ऑन द स्टेज, आई शैल नॉट आइदर सिंग नॉर डांस ऑन द स्टेज, तो नॉर वाला क्या हो जाएगा और वैसे ही, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, लिखते रहो अब तक का सर्वश्रेष्ठ क्लास। उतार लिए बच्चे, चलिए तो यहां तक आपने देखा नो नॉट नेवर एवर आइदर, एग्जांपल आप चाहो तो लिख लो, पर आगे बढ़ते हैं। इरादा इंटेंट मतलब, तो गलत ऊपर वाला गलत है सही है, सातवां गलत है आठवां सही, कर लोगे ना। वेदर के साथ और आता है एंड नहीं आता, इसे लिखवा चुका हूं पीछे, तो वेदर के साथ और आता है एंड नहीं आता, हिंदी होता की या, इट इज यूज अकॉर्डिंग टू टेंस, इसका प्रयोग टेंस के अनुसार करना, जैसे टेंस होगा उसका करना, ठीक है। एग्जांपल दिया है आई डोंट नो वेदर ही विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल गो और स्टे, बिल्कुल दोनों सही है, वेदर के साथ और आता है एंड नहीं आता, चाहो तो लैंग्वेज लिख लो, वेदर के साथ और आता है एंड नहीं आता, वेदर के साथ और आता है एंड नहीं आता, क्वेश्चन था ना कि वेदर ही विल गर्ल और नॉट, वेदर इट इज गर्ल और नॉट, वेदर इट इज बॉय और नॉट, में हाँ तो इस चलिए सब थोड़ा सा टफ लगेगा, तो ये सब कम यूज करते हो कम पढ़ते हो, अब एक बार सुन लोगे तो आसान रहेगा, फिर रीडिंग हैबिट बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, किताब से किताब पढ़ते रहो। आई डोंट नो वेदर ही विल गो और स्टे, मुझे नहीं पता कि वो जाएगा कि रहेगा, I don't know, मुझे नहीं पता whether he will go or stay, वो जाएगा कि रहेगा हमको पता नहीं है, बता लिया। अभी चलें अगला कॉन्सेप्ट, नहीं लिखी हो नीचे पर, इतने तो लिख लिया अब तक जितना देर बोले, फिर रुकी अभी तक तो रुकी है, चाप हो इसी बहाने इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, हैं जी इंग्लिश में प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उंगली हो गया ना, हो गया। अगला कौन सा क्या कर रहा है, समझते हुए तो लिखना, क्या कर रहा है बाबू, बिलीव होप सपोज थिंक, ये चार पांच वर्ड है ना, क्या क्या जी, बिलीव उम्मीद विश्वास करना, होप उम्मीद आशा करना, सपोज मानना, थिंक सोचना, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनके साथ दैट का यूज करो मन हो तो, ना मन हो ना करो सेंटेंस राइट होगा, मतलब इन सारे शब्दों के साथ मर्जी करे दैट लगाओ ना मन करे दैट, मतलब सेंटेंस आई थिंक यू आर ब्रेव सही, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव सही है, दैट लगा दो तो भी सही, ना लगाओ तो भी सही, आई थिंक यू आर ब्रेव, आई थिंक दैट यू आर ब्रेव, दोनों सही है।
इतना डीप पढ़ा रहा हूं ना, किसे बात को एग्जाम हिम्मत नहीं करेगा, है ना। जब भी क्वेश्चन बनाइए तो प्रीवियस ही बनाइए, मॉडल सेट करके बनाइए, क्योंकि प्रीवियस का मतलब होता है जो एग्जाम में पूछ दिया है। जब पूरा ग्रामर एक बार पढ़ लोगे तो प्रीवियस में से मान के चलो कि 50 है तुमसे 35-40 तुमसे आसानी से बन जाएगा, 10-15 कष्ट करेगा, फिर आंसर आंसर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस बाद हो गए तो 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, समय ऐसा है 50-50 वोकैबुलरी वगैरह स्ट्रॉन्ग रहा तो 50-50 आ जाएगा। और वोकैब के लिए हमने अभी निकाल दिया सिनोनिम्स, कितने बच्चों के पास आ गया है सिनोनिम्स? नहीं अरे तुम लोग ऑप्शन ले लेना, 100% नहीं, ऑनलाइन में एक्सरसाइज मिलेगा, वो अमृत है, अमृत घड़ा, उसको आपके पास होना चाहिए, और वो चाहे वो ब्लूटूथ साथ रहता है, आना चाहिए। हैं अभी यहाँ पहुंचा, काम ऊपर है जी, उतार बेटा, हो गया इधर भैया। पॉइंट नंबर 14, 14 नंबर रूल, कह रहा है टोल्ड, तो क्या कर रहा है? टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, प्रॉमिस्ड, एडमिट, एग्री, अनाउंस, आंसर, शो, क्लेम, कंप्लेन, कंप्लेन स्पेसिफिक इसको, COMPA, कंप्लेन, कंफर्म, डिस्कवर, फाइंड, फॉरगेट, लर्न, नोटिस, सजेस्टेड, रिपोर्ट प्लस दैट, इन सारे शब्दों के बाद दैट नामक कंजंक्शन लगाना चाहो तो लिख दो कि दैट का प्रयोग किया जाएगा। इन सारे शब्द से देखो, ही एडमिटेड दैट ही वाज एट फॉल्ट, प्रिया इनफॉर्म्ड मी दैट, ही हैज प्रॉमिस्ड दैट, शी टोल्ड मी दैट, तो इन सारे शब्दों के बाद दैट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा, तो सब याद करना पड़ेगा ना, कौन से बहुत याद करना है, तो नौकरी चाहिए, लाख रुपये वाला नहीं चाहिए, हाँ क्या चाहिए, है कि नहीं? He admitted that he was at fault, admitted that, promised that, informed that, replied that, admit that, sure that, complain that, complain, COMPLAIN. Total fact based class. Priya informed me that she might be late. Priya informed ki ko late ho sakti hai. He has promised that he will stop smoking. Usne vada kiya cigarette nahi piyega. Upar kyun dikh rahe? I forgot that I had an appointment with him. एग्जाम्पल हो गया 5 तक, बोलो। अब देखिए, एज और लाइक नामक दो शब्द है, एज और लाइक नामक दो, इन दोनों का हिंदी होता है, इसको याद कैसे करें? एज के बाद हमेशा आता है सब्जेक्ट, और लाइक लिंक नहीं होगा, लाइक होगा, टाइपिस्ट ध्यान देना, लाइक के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट, एज के बाद हमेशा और लाइक हमेशा, लेकिन जब सब्जेक्ट आ जाए तो बिना भर के नहीं हो सकता, सब्जेक्ट है तो भर चाहिए, चेंज गलत हो जाएगा, इसलिए एज के बाद अगर आता है सब्जेक्ट तो भर जरूरी है, तो सही होगा, अगर लाइक है तो लिख दिया सब्जेक्ट तो गलत हो जाएगा, आएगा क्या? जैसे ही इज स्पीकिंग एज मी, ही इज स्पीकिंग एज मी, ही इज स्पीकिंग एज आई स्पीक, इन दोनों में कौन सही है? ऊपर वाला, क्योंकि एज के बाद क्या आता है, आया क्या, ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ, तो ही इज स्पीकिंग एज, एज के बाद क्या आया, आया वर्ब आया, सही हो गया, तो ही स्पीकिंग वह बोल रहा है लाइक के समान, जैसा मैं बोलता हूं एज आई स्पीक, ही इज स्पीकिंग लाइक आई कि मी, गलत है, तो क्या सही होगा? नहीं, पकड़ में आ गया, राइट रॉन्ग, आरती आई के बाद वर्ब नहीं लगाएंगे तो अपराध, जैसे लाइक के बाद आई लगा दिया गलत, उस प्रकार एज के साथ मिल लगा दिया गलत, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए थी। बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करने वाला एक मात्र बैच है, 1 बजे यहां तक जा तक, 4 बजे का बैच अपने आप में बेस्ट बैच होता है, क्यों सर? क्योंकि 1 बजे का टाइम नींद में पढ़ता है बच्चा, है कि नहीं, झुकते झाकते पढ़ लेता है, टाइम बच जाता है, घर करेगा तो सोएगा, टाइम पास होगा, नल्लू की तरह, यहां पूरा टाइम यूज, है कि नहीं? धीरे पकड़ू, इस लिंक को लाइक कर दीजिएगा, एग्जाम्पल जितना मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं, फाउट एज अ टाइगर फाउट, एज आ गया तो टाइगर फिर फाउट आ जाएगा, वो ऐसे लड़ा जैसे शेर लड़ता हो, मतलब शेर के समान लड़ा, बहुत सारा हिंदी निकाल सकते हैं उसका।
भाव, एग्जैक्ट हिंदी का एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होता भाव, भाव। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें थोड़े पता, तुम नहीं जानते हो सबका, यू डोंट नो, क्योंकि हिंदी इमोशन पर होता है, अंग्रेजी रफ होता है। ठीक है, उदाहरण याद रख, धीरे धीरे आगे बढ़िए समझते हुए। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, एक वर्ड दिया है एज वेल एज और एंड में क्या अंतर है, एक वर्ड दिया समझाते हुए। जैसे देखो, मैं वही दे रहा हूं जो आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन बन के आएगा। जैसे आज हो सकता है पहली बार दिमाग क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन जब पढ़ लिख जाता है तो उसके दिमाग में रीजनिंग आ जाता है। जब तक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो कुछ भी कदम मान लेगा, लेकिन जब पढ़ लिख लेता है लॉजिक लगाता है। आज आपको पढ़ा रहा हूं तो कल का लॉजिक आ जाएगा। तो उस लॉजिक को शांत करने के लिए पहले ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे एज वेल एज और एंड में अंतर क्या है, दोनों का हिंदी क्या है, एवं या साथ साथ। एंड का मतलब एवं, एज वेल एज मतलब एवं। तो एज वेल एज जो है बेटा वो किसी को भी जोड़ता है, अनइंपॉर्टेंट होता है, मतलब नहीं है किसी को भी, राम एज वेल एज हम, इंडिया एज वेल एज चाइना, असल ना। लेकिन जो एंड है वो इंपॉर्टेंट थिंग को ही जोड़ता है, जब महत्वपूर्ण होगा तो एंड लगाना और अनइंपॉर्टेंट एज वेल एज लगा देना। जैसे अगर आपका चाइना एज वेल एज इंडिया इज गिल्टी, अब इसको कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठा नहीं, क्या दोनों गिल्टी है, दोषी है। लेकिन अगर राम एंड रावण, अगर राम एंड रावण वर स्ट्रॉन्ग, दोनों ताकतवर थे, तो दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हो गया, इसलिए आ गया एंड का प्रयोग। राम एज वेल एज यहाँ पे नहीं होगा, ये जड़ की बात होगी, बेसिक बात हो गया। अब दोनों दोनों साथ कभी नहीं आएगा, दोनों कहीं देखा होता है, कभी बात हूँ। ठीक है, लिखते चलो, लॉलीपॉप है, ये कोई क्लास का पार्ट नहीं है, बोनस पार्ट दे रहा हूं। अनइंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, काफी सुंदर तरीके से पढ़ा जा रहा है इस बैच को, एज वेल एज एंड, एज वेल एज एंड दोनों कहेंगे साथ साथ एवं। अनइंपॉर्टेंट को जोड़ना हो तो एज वेल एज का प्रयोग करें, इंपॉर्टेंट है तो एंड का प्रयोग करें। अक्सर हम लोग एंड लगाते हैं, एज वेल बहुत लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है ना, आगे चलें। हाँ, ऊपर वाला कर पा चुका हूं बेटा, क्या पाया था, जब कोई दो शब्द एज वेल एज से जुटा हो, टुगेदर भी से जुटा हो, तो आने वाला भर पहले वाले के, उसको मत भूलना, बचपन का है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड जुड़ गया था, दोनों क्या हो गया, तो क्या लग गया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पानी थोड़े है, एंड और में क्या अंतर है, समझा, एंड और में क्या अंतर है। अब कह रहा है एंड और में क्या, सुन यहाँ पे, तो एंड भी जोड़ता है और भी जोड़ता है, लेकिन एंड जो होता है वो जाता है प्लूरल, क्या होता है बाबू, और जो होता है वो जाता है सिंगुलर, क्यों, क्योंकि हिंदी है कोई एक या तो जब एक है तो सिंगुलर हो गया। जैसे सर द बॉय एंड द गर्ल, तो एक लड़का एक लड़की की बात कर रहा है, तो क्या यहाँ पे बिलीव मी और लीव मी, या तो विश्वास करो या तो छोड़ो, तो एक काम करेगा, डू और एक है, बिलीव मी और लीव मी, या फिर डू और डाई, दो एग्जांपल है, करो या मरो, तो एक चॉइस हो गया ना। एग्जांपल दो है, इसको टाइप इसको नीचे कर देना, बिलीव मी और लीव मी, एक एग्जांपल डू और डाई, एग्जांपल एक ही में चाप दिया है, तो और का मतलब या राम और श्याम, तो या तो राम या तो श्याम। तब तक किसी बैच में इतना सुंदर तरीके से नहीं पाया गया, तो और एंड में समझ आ गया, एंड है प्लूरल और है सिंगुलर। आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट बेटा सिंस, सिंस कह रहा है कि सिंस का प्रयोग कहां करते हो, तो बचपन से आप सिंस का प्रयोग जानते भी होंगे, कि मैं दिल्ली में 1980 से रह रहा हूं, तो अभी तक नीचे से परेशान हुआ है, लिख पेन चलाओ, लिखो आज बनाओ, महीने में एक दिन आते हो, डेली आओ, तुम्हें लिखने बनेगा, देखियो कितना साफ गलती लिख रहा है, बिलीव का स्पेलिंग का लिखा तुमने, सही लिखा है, हाँ लिखो सही करके। ठीक है, चलो यहाँ कह रहा है सिंस, सिंस का प्रयोग नहीं बोलता कि मैं दिल्ली में 1980 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1980, तो सिंस वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, क्या शो करता है, पता होगा पॉइंट ऑफ टाइम को, मंडे ट्यूसडे 1980 1972, जब टेंस पाऊंगा यहाँ भी जान लो, तो टेंस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रीपोजिशन है वो। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस में आता है, कहाँ था बेटा, तो जितना भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी, तो सिंस जनवरी हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आ गया, पहला प्रयोग। दूसरा कह रहा है सिंस कंजंक्शन है, क्या है जी, हिंदी निकलता है चूंकि, सेंटेंस की शुरुआत करता है, नहीं बोलता चूंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, सिंस इज इल सो ही कांट अटेंड द क्लास, चूंकि वह बीमार है इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता, ये हो गया कंजंक्शन। तीसरा कंजंक्शन ऑफ टाइम, इसका हिंदी होता है जब से वह दिल्ली से गया है मेरा जीना दुभर हो गया है ना, तो जब से वह दिल्ली छोड़ा है मेरा जीना, जब से डीएसएल ज्वाइन किया मुझे फोन नहीं किया है, जब से मैं उसे मिला हूं मैं पागल हो गया हूं, तो जब से बोलना हो तो आप सेंस का प्रयोग करना, उसे कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। इस केस में इसका प्रयोग सिंपल पास्ट के साथ होता है, या जोड़ता है दो क्लास को, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को जोड़ता है। तो देखिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और सिंपल पास्ट होगा, इतिहास की पहली घटना है कि अंग्रेजी में पास्ट के साथ परफेक्ट आ रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं इसके सिवा, एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो सिंस जो है दो टेंस को जोड़ रहा है पास्ट और प्रेजेंट को। जैसे आई हैवंट सीन मैं उसे नहीं मिला हूं, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, जब से दिल्ली छोड़ा, समझा, दिस सिंस को बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम, हिंदी क्या होता है जब से, सिंपल पास्ट में आता है। चाप दो,
वो एवर सिंस अलग सब हो गया ना, वो सिंस नहीं एवर सिंस बड़ी, वो बड़ी अलग हो गया, हाँ नहीं आ सकती, वो एवर सिंस बड़ी अलग हो गया, या सिर्फ नहीं बेटा वो सिंस तुमने लगाया नहीं है, एवर सिंस होता है एवर सिंस, ठीक है। तो तीन हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, कंजंक्शन और कंजंक्शन ऑफ टाइम, सिंस का तीन यूज है। सारे एग्जांपल क्या है, सही पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, अभी क्लास शुरू हुआ है। बता दिया, आगे बढ़े, आगे बात बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ ठीक है बच्चे, यहाँ तक चलिए, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ चलते हैं तेजी के साथ। देखिए दो शब्द है, एक है एज, एज एक है, तो आपने पाओगे एडजेक्टिव, तो एग्जांपल देखा होगा एजेस का, एजेस के बीच में हमेशा आता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेगेटिव आना चाहे तो आ सकता है, वेलकम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोए जो है सिर्फ पॉजिटिव होता है नेगेटिव को, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाए तो यह अपराध हो जाता है। हिंदी कहता है उतना जितना, वह उतना ही अच्छा है जितना राहुल, तो तुना तो नहीं रहा, इक्वलाइज कर रहा है, तो मुकेश इज एज गुड एज राहुल, मुकेश इज एज टॉल एज राहुल, मुकेश इज एज स्मार्ट एज राहुल, मुकेश उतना ही स्मार्ट जितना राहुल है, बिल्कुल सही हो गया। मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, बिल्कुल सही हो गया। मुकेश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल, बिल्कुल सही हो गया। नॉट आ गया तो सो एज का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो सो एज के साथ नेगेटिव और एज के साथ दोनों प्रयोग कर सकते हो जो मन करे, लेकिन कोशिश करना कि पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव लगाना, उतना जितना। बहुत ही खूबसूरत बैच, उतार दिया बच्चे, उतार लिया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल लिखे दो, नो प्रॉब्लम, वी आर द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज यू,
आगे चले हम लोग। बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया है, यहाँ तक समझ आ गया है, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं समझ पा? थोड़ा सा चले और, बहुत थोड़ा सा चलिए। अब अगला वर्ड कहता है सच एज और सच दैट। क्या कहता है? सच एज और सच दैट, दो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। सच एज एक सिंपल चीज को लौटा है और यह दिखाता है इतना की, इतना की। और सच दैट जो है एक कारण और परिणाम को शो करता है, कारण और परिणाम को शो करता है। और यह ऐसा ऐसी जो जिसे, एग्जाम्पल्स के होगा, जैसे कहा कि ही सच अ गुड मैन, ही सच अ गुड मैन एज, देखिए एज जुड़ा है, तो ही सच अ, चूंकि आदमी कैसा है, तो ही सच अ गुड मैन एज एवरी पर्सन विल विश टू मीट हिम, इसलिए इतना अच्छा आदमी है कि हर व्यक्ति, वह इतना अच्छा आदमी है कि हर व्यक्ति उसे मिलना चाहता है। तो अगर सच एज आ गया, ही सच के साथ क्या आ गया? दूसरा देखो, यहाँ पे कहा कि आई, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, मतलब कारण क्या था जी, परिणाम क्या हुआ, स्टॉप राइटिंग हो गया। तो कारण परिणाम दिखाना हो तो सच दैट का प्रयोग करिए, नॉर्मल सी बात दिखाना हो तो सच एज का प्रयोग करिए। सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, सिंपल है, कारण के साथ रिजल्ट शो हो तो सच दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल और भी दूंगा, पर इतना लिखिए। सच एज सिंपल को शो करता है, सिंपल चीज होता है, इतना की। सच दैट कारण और परिणाम को शो करता है, रीजन कॉज, ऐसा ऐसी जो जिसे। कल 11 बजे आ जाओ तुम लोग, बहुत सुंदर। इसका नहीं हुआ कि सच गुड, मतलब इतना अच्छा आदमी है, यहाँ पे डॉट नहीं दिखा तुमको, सच डॉट एज है, बीच में पूछाएगा ना, कंजंक्शन है। कल 11 बजे आओगे, राइट, 11 से 12:30 तक पढ़ाया, बीच में आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बीच में रिफ्रेश चला दूंगा, बीच में नाश्ता पानी चलेगा, फिर 1 बजे से फिर जो क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा अपना। पराठा नहीं मिलेगा, समोसा मिलेगा, तुम लोग नाश्ता वास्ता करके जाना, ठीक है, उधर यहाँ तक आगे बढ़िए। एग्जाम्पल और एक दो लिख लीजिए। एग्जाम्पल, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट दैट स्टॉप लाइटिंग, सच बात हिज बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक हिम। देखिए कारण परिणाम हिंदी लिख दिया मैं, कारण है कि उसका व्यवहार ऐसा है कि हर आदमी उसे नापसंद करता है। हिज बिहेवियर वॉज सच दैट, तो सच दैट अलग अलग हो सकता है और सच दैट एक साथ हो सकता है, इसलिए एग्जाम्पल में दिखाया गया है। यहाँ पे सच अलग है ना यहाँ, और दैट कहाँ, यहाँ है, यहाँ पे सच दैट एक साथ है। पांचवा क्यों, हिज बिहेवियर वर्सेस दैट, जो ऊपर है नीचे है, यहां से कहा गया कि सच दैट तुम अलग अलग भी करो चाहे एक साथ करो, चीज वही है। हिज बिहेवियर वर्सेस दैट, उसका व्यवहार ऐसा है कि एवरीवन डिसलाइक हिम, हर व्यक्ति नापसंद करता है। सच वाला बिहेवियर, उसका व्यवहार ऐसा है दैट कि एवरीवन डिसलाइक हिम। ठीक है, क्लियर, चलिए एक क्लास कल कंजंक्शन का और दे दूंगा, जो क्लास खत्म नहीं होगा कल खत्म कर दूंगा। नहीं, तीन क्लास देना ही, तुझे पाऊंगा फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक क्लास मुझे देना ही पड़ेगा, तो एक क्लास देना ही पड़ेगा, कंजंक्शन का देना ही देते, फिर भी चाप दिया गया, चिंता करो। तीन क्लास कंजंक्शन, दो क्लास होता है, तीन क्लास दिया हम, मेरे पास टाइम है, मैं जोड़ लिया टाइम। जैसे अभी दो चैप्टर बचे हैं, एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन, राइट, 30 मार्च को नया शुरू होगा, तो अभी मेरे पास एक सप्ताह का टाइम और भी है पूरी से पहले, और 22 से लेकर 30 तक एक सप्ताह मिल जाएगा। और चैप्टर कितने हैं? दो। और रही बात एक तो क्लोज से कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यू आर एस कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस आई करवाऊंगा, फिर क्लोज से कॉम्प्रिहेंशन, दो तीन क्लास और चाहिए, हो जाएगा। हाँ, कंप्रिहेंशन टेस्ट तो कल कल टेस्ट करवाऊंगा बुक से, आज दिलवा दूँ, हाँ 100% कल ही बताऊँगा क्या होता है, कल ही करवा दूँगा। हाँ, ये दिलाल है, उसको बोलो कि बच्चों को ये टेस्ट करवाया कि कंजंक्शन का टेस्ट, कंजंक्शन का, चलो कल ही देना।